पहले बच्चों सुप्रभात। आज हम करेंगे शब्द का तो वीडियो में सोचा हुआ था शब्द के बारे में। शब्द इस प्रकार से शब्दों को हम कुछ रहते थे अतिथि विकारी और अविकारी हुआ विकारी और यानी अविकारी इसको जैसे इसके अंदर देखिए। अब देखिए जिन शब्दों के लिंग वचन पुरुष और काल में परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं विकारी। लड़का है, घोड़ा है, पुस्तक है, बैल है, गाय है, तो बोलते हैं विकारी। अभी देखिए घोड़ा लड़का लिंग मध्य लड़की वचन करके घोड़ा घोड़े घोड़ा घोड़ी पुस्तक पुस्तकी गाय गाय बैल बैल लोग बजेगा बैल या पुस्तक प्रकार से आगे चलिए। अभी चार प्रकार के हैं अभिकारी प्रकार देखिए अभिकारी के प्रकार नंबर एक सिंगा सर्वनाम नंबर तीन विशेषण नंबर चार क्रिया ये है विकारी के प्रकार सिंगा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन विकास को चार प्रकार के होते हैं। हमारे सोचो बहुत अलग आएगा अविकारी
वचन पुरुष और पुरुष और नंबर तीन समुच्चय बोधक से बोधक नंबर चार विस्मयादि बोधक बोधक नंबर पांच ये पांच भेद है, इन अभिकारी के पांच भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनको ध्यान दीजिए।
पीछे छह समुच्चय बोल रखा है चौदह बनेगा और इसके बाद इनके इस्तेमाल हो रहे थे समानार्थ किसे कहते हैं इसे दूसरा नाम है पर्याय वाची क्या है पर्याय वाची कह सकते हैं इसको वाची एक ही बात है जिस शब्द दो शब्द समान अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं दो शब्द होते समानार्थी समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी पर्यायवाची कहा जाता है समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं जैसे अब है इसे देखिए सूर्य सूर्य का क्या पर्यायवाची भानु अरवि दिनकर सूरज भानु रवि दिनकर सूरज दिवाकर दिवाकर अनेक अर्थ ये शब्दों के एक से अधिक अर्थ मिलते हैं अनेक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेक अर्थ शब्द कहते हैं जिस शब्द के एक से अधिक ज्यादा अर्थ करते हैं उन्हें अनिवासी शब्द कहते हैं अब जैसे हाथ है हार है हार है हार क्या हुआ तो प्रजय और नवे का आभूषण कर है कर
टैक्स केवल हाथ या अनेक हाथ में जाते हैं विलोम, यानी उपयुक्त तो शब्द है उसका अर्थ का उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को लोग सुन कहते हैं। अब जैसे आना का लोग क्या जाना, सुख का लोग क्या दुख, एक अर्थ मतलब बच्चे ही थोड़ा ध्यान दें, एक अर्थ में इन शब्दों का एक अर्थ नहीं होता है, एक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को एक अर्थ शब्द कहते हैं, एक अर्थ देने वाले शब्दों को। अब जैसे पुस्तक है लड़का, घोड़ा है, बोलते हैं एक अर्थ शब्द बोलते हैं पुस्तक है लड़का है घोड़ा, क्योंकि एक अर्थ प्रदान करते हैं तो दूसरा अर्थ नहीं फिरता है। इसलिए आज का जो हमारा विषय देख हुआ, धन्यवाद, थैंक यू।